क्या शमिता शेट्टी ने राकेश बापट पर साधा है निशाना? ब्रेकअप की औपचारिक घोषणा के बाद लिखी ये पोस्ट। शमिता शेट्टी और राकेश बापट बीते दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में थे और अब दोनों ब्रेकअप की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल दोनों के ब्रेकअप की खबर तो काफ़ी वक्त पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन दोनों की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया था। मंगलवार को दोनों की तरफ से ब्रेकअप का औपचारिक ऐलान किया गया। शमिता शेट्टी और राकेश बापट दोनों ने ही अपने अपकमिंग वीडियो से पहले अपने ब्रेकअप का औपचारिक ऐलान कर दिया है। दोनों ने अपने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक नोट लिखकर इसे फैंस के साथ साझा किया। नोट में आप देख सकते हैं कि दोनों ने ब्रेकअप का औपचारिक ऐलान किया है और उसके बाद दोनों को एक साथ देखने वाले फैंस का दिल टूट गया है, वो काफ़ी निराश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश बापट और शमिता शेट्टी की जोड़ी को उनके फैंस काफ़ी पसंद करते थे। बिग बॉस OTT के दौरान दोनों की पहली बार मुलाकात हुई और दोनों को प्यार भी हुआ। इतना ही नहीं, दोनों ने बिग बॉस के घर में ही अपने प्यार का इजहार खुलकर किया और बिग बॉस 15 में भी दोनों एक साथ नजर आए। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद ये अक्सर एक साथ में दिखाई देते थे। फैंस इनके शादी में बनने की दुआ कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों की राहें अलग हो गई। ब्रेकअप के औपचारिक ऐलान के बाद अब शमिता शेट्टी ने एक पोस्ट लिखी है, उसे देखकर फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ये राकेश बापट पर निशाना तो नहीं है। शमिता शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, सी इज बोथ हेलफायर एंड होली वाटर, द फ्लेवर यू टेस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट हर। मतलब उनके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है, ये देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है कि वो उनके अंदर क्या देखता है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।